हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 44 क्लास 8, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 16th of December 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। मेटामॉर्फोसिस। टुडे वी विल लर्न अबाउट मेटामॉर्फोसिस। वी ऑल नो दैट एनिमल्स सच एज ह्यूमन, लायंस, कैट, डॉग ऑल प्रोड्यूस यंग वंस दैट रिजेंबल देयर पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ द बर्थ। जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स लाइक जो ह्यूमन है, लायन है, कैट, डॉग, ये सब जो भी यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं वो सब कैसे होते हैं, वो जो है उनके पेरेंट्स के साथ रिजेंबल करते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। यानी जैसा जो कैट होगा वैसा ही उसका बेबी होगा। ह्यूमन का जो ह्यूमन बीइंग है यानी उसका बेबी भी कैसा होगा, वो रिजेंबल करेगा किसके साथ, पेरेंट्स के साथ। बट डिड यू नो दैट देयर आर फ्यू ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस यंग वंस दैट डू नॉट रिजेंबल विद देयर पेरेंट्स। लेकिन क्या आप ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानते हो विच प्रोड्यूस यंग वंस, जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं लेकिन वो उन पेरेंट्स के साथ रिजेंबल नहीं करते। कैन यू नेम देम, क्या उनके नाम आप बता सकते हो। सो रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म विच वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द क्लास 7th। इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए एग है, एग के बाद इसमें क्या बनता है, लार्वा और कैटरपिलर बनता है। उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद उसमें प्यूपा फॉर्मेशन होती है एंड देन एडल्ट बनता है। ऐसा नहीं है कि जो एग है वो डायरेक्ट किस में बदल जाए, एडल्ट में बदल जाए, ऐसा नहीं है। बीच में कुछ स्टेजेस हैं जिनको क्रॉस करके एडल्ट मॉथ जो है वो प्रोड्यूस होता है। वी सी दैट कैटरपिलर और प्यूपा ऑफ सिल्कवॉर्म लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ब्यूटीफुल एडल्ट मॉथ। सो जो कैटरपिलर और प्यूपा, ठीक है, कैटरपिलर और प्यूपा है सिल्कवॉर्म, वो जो है बिल्कुल डिफरेंट दिखता है फ्रॉम द ब्यूटीफुल एडल्ट मॉथ से। सो द फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन द एडल्ट आर नॉट फाउंड इन दीज यंग वंस। द फीचर्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन द एडल्ट, जो एडल्ट में फीचर प्रेजेंट होते हैं वो यंग वंस में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। यानी लार्वा, कैटरपिलर, प्यूपा, इनके जो फीचर्स हैं वो एडल्ट से बिल्कुल अलग होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉग इज एन अनदर सच एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिए लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। सो लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ 3 different stages। तो कितनी स्टेजेस होंगी, 3 different stages होंगी। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में तो एग होते हैं। एग से क्या फॉर्म होता है, एग से टेडपोल फॉर्म होता है एंड टेडपोल से क्या बनेगा, टेडपोल से एडल्ट बनता है। यानी इन 3 stages से इसको जो है, यहाँ पर 3 main stages हैं। एग से टेडपोल होगा और टेडपोल से लार्वा। तो ये क्या होंगे, सबसे पहले एग्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद ये क्या बनेगा, अर्ली टेडपोल, जिसमें इसके जो यहाँ पर इसकी टेल जो है और फिन्स है लाइक फिश की तरह वो निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में जो है धीरे धीरे जैसे जैसे एडल्ट बनेगा इसकी जो टेल है वो डिसअपियर हो जाएगी, फिन्स डिसअपियर हो जाते हैं, ओके। सो उसके बाद ये एडल्ट में बदल जाता है। तो सो ये जो चेंजेस हुए हैं यहाँ पर, ये जो चेंज हुए हैं फ्रॉम एग टू एडल्ट, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। द एग फेच टू प्रोड्यूस द लार्वल स्टेज ऑफ फ्रॉग इन विच इट इज नोन एज टेडपोल। सो एग जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, लार्वल स्टेज फॉर्म करता है जिसको हम क्या कहेंगे, टेडपोल कहते हैं। टेडपोल हैव टेल्स एंड फिन्स जस्ट लाइक फिशेस हैव। तो टेडपोल में टेल होती है, फिन्स होते हैं जैसे कि फिश में होते हैं। दे आर एबल टू स्विम इन वॉटर लाइक फिशेस, वो फिशेस की तरह ही वॉटर में स्विम करते हैं। Now the tadpole grow into adult frog that loses tail and fins and capable of jumping and swimming. अब क्या होता है, tadpole जो है जब adult में grow frog, adult frog में grow करता है तब इसकी जो tail है वो lose हो जाती है, fins जो है वो भी lose हो जाते हैं और इसमें capable यानी ये capable हो जाता है jumping के लिए और swimming के लिए, okay? उसके बाद देखिए बच्चों, thus we can say that transformation of the larva into adult through drastic change is called metamorphosis, okay? यानी जो transformation होता है, larva किसमें change हो जाता है, adult में, कैसे, through the drastic changes,
जो ये प्रोसेस है दैट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट देखिए, व्हाट अबाउट द चेंज दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो। तो जो हम जो ग्रो करते हैं हमारी बॉडी में जो चेंज होते हैं, ठीक है, क्या आपने कभी उनको ऑब्जर्व किया है और कैसे वो चेंज होते हैं? डू यू थिंक वी डू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? क्या हमारी बॉडी भी मेटामॉर्फोसिस हमारी बॉडी में होता है? तो क्या आंसर होगा बेटा? सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं है। हमारी बॉडी में ऐसा कोई मेटामॉर्फोसिस, ऐसे कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आते। जैसा बेबी बर्थ करता है वो अपने पेरेंट्स से क्या होता है, रिजेंबल करता है। इन ह्यूमन बीइंग बॉडी पार्ट सिमिलर टू दोज पेरेंट्स इन द एडल्ट आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, सो वी कैन से दैट मेटामॉर्फोसिस इज नॉट सीन अमंग ह्यूमन बीइंग। सो जो एडल्ट है वो जो यंग वंस होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो बेबी है वो एडल्ट यानी जो पेरेंट्स हैं उनके सिमिलर होता है। सो हम कह सकते हैं कि मेटामॉर्फोसिस ह्यूमन बीइंग में नहीं होता। अब आपको यहाँ बहुत ही आसान से बच्चों चार जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है जिनको ऑलरेडी हम वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं, तो आइए इनके आंसर हम करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, डिफाइन मेटामॉर्फोसिस, गिव टू एग्जांपल्स। तो मेटामॉर्फोसिस को डिफाइन करना है और आपको एग्जांपल देने हैं। सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। सो लार्वा से एडल्ट में ड्रास्टिक चेंज होके जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है दैट इज नोन एज द मेटामॉर्फोसिस। फॉर एग्जाम्पल टेडपोल और सिल्कवॉर्म। क्वेश्चन सेकंड है, एक्सप्लेन इन शॉर्ट द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म की लाइफ साइकिल जो है आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करनी है। सो एग देखिए, सबसे पहले क्या होता है सिल्कवॉर्म की लाइफ साइकिल में, सबसे पहले एग होता है, एग दैट कन्वर्ट इनटू द लार्वा और कैटरपिलर, देन कैटरपिलर दैट ट्रांसफॉर्म इनटू प्यूपा, एंड प्यूपा जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है मोथ और एडल्ट में, ठीक है। सो ये जो है आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री है, एक्सप्लेन ब्रीफली द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग की लाइफ साइकिल आपको एक्सप्लेन करनी है। आंसर रहेगा, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ थ्री स्टेजेस होती हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग की, दैट इज एग, टैडपोल एंड एडल्ट, ठीक है। एग जो है वो टैडपोल में जो है ट्रांसफॉर्म होता है टैडपोल इंटू एडल्ट बाय द ड्रास्टिक चेंजेस। एज द फ्रॉग ग्रो इट मूव थ्रू दीज स्टेजेस इन अ प्रोसेस नोन एज मेटामॉर्फोसिस। तो फ्रॉग जो है वो ग्रो करता है थ्रू दीज स्टेजेस एंड दिस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर है, डज मेटामॉर्फोसिस अकर इन ह्यूमन बींग, एक्सप्लेन। क्या ह्यूमन बींग में मेटामॉर्फोसिस होता है, एक्सप्लेन कीजिए। सो आंसर रहेगा, मेटामॉर्फोसिस डज नॉट टेक्स प्लेस इन ह्यूमन्स। मेटामॉर्फोसिस ह्यूमन्स में नहीं होता। इन ह्यूमन बींग्स बॉडी पार्ट्स सिमिलर टू एडल्ट आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। ह्यूमन बींग के अंदर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो एडल्ट के जैसे ही बर्थ के टाइम पर ही प्रेजेंट होते हैं, बस वो ग्रो करते हैं। देयर इज नो ड्रास्टिक एंड एब्रप्ट चेंज। कोई ड्रास्टिक और एब्रप्ट चेंज नहीं होता। देयर फोर वन कैन से दैट मेटामॉर्फोसिस डज नॉट हैपन इन द ह्यूमंस। सो हम कह सकते हैं कि जो मेटामॉर्फोसिस है वो ह्यूमंस में नहीं होता है, ठीक है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।